रायगढ़ में मुख्यमंत्री नोनी प्रोत्साहन योजना के नियमों में बदलाव की मांग सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर भवन व अन्य निर्माण मजदूर संघ ने रायगढ़ श्रम अधिकारी को मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री नोनी प्रोत्साहन योजना के नियमों में बदलाव की मांग सहित अपनी 9 सूत्री मांग के लिए भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ ने रायगढ़ श्रम अधिकारी को मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ ने संबद्ध भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ ने राज्य शासन के मुख्यमंत्री नोनी प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत मजदूरों की बेटियों के साथ छल करार दिया है। इस संबंध में संगठन की ओर से नियम व शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना लागू की गई है। भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ ने योजना में रखी गई उम्र सीमा जो वर्तमान में न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 18 वर्ष से 6 माह रखी गई है, उसे न्यूनतम 15 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष तक रखने की मांग की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं का सशक्तिकरण हो सके। पूर्व की तरह गंभीर बीमारी में सहायता योजना व कौशल प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि को तत्काल जारी रखने की मांग मजदूर संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से की है। अपनी 9 सूत्री मांगों के साथ मजदूर संघ ने ज्ञापन सौंपा और जल्द निराकरण की मांग की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ संघ के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज का ये आंदोलन भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जिला श्रम कार्यालय के सामने आयोजित किया गया है और आज इस आंदोलन के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में छत्तीसगढ़ सरकार का जो अभी बजट आया है और असंगठित क्षेत्र में खासकर VOC जो भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर संघ में काम करते हैं, ऐसे मजदूरों के लिए बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाएं जो पूर्व में चल रही थी उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। जैसे राजमाता विवाह योजना और भी कई छात्रवृत्ति योजना, ये सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। अभी एक 25 पिछले महीने में नौनी सशक्तिकरण योजना लागू की है और उस नौनी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसमें जो शर्त दी है, सुनिए, पूरा बात सुन लीजिए, 18 साल 6 महीने, तो 6 महीने में मात्र जो है 3% या 4% को लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में अगर आज जो ज्ञापन दिया गया है इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 11 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ सरकार को हिलाएगा और उसके बाद भी अगर मांग नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के निवास में घेरा जाएगा, ये अगला आह्वान होगा। हाँ, आज भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के मार्गदर्शन पर भवन निर्माण छत्तीसगढ़ एवं जिला भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 9 सूत्री मांगों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं श्रम मंत्री महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। वास्तव में आज विगत लंबे समय से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, वास्तव में लंबे समय से कभी आंगनवाड़ी, कभी मध्यान्ह भोजन, कभी रसोईया संघ, कभी अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के धरना प्रदर्शन ज्ञापन आंदोलन होते रहते हैं। वास्तव में महीने में एक बार भारतीय मजदूर संघ झंडा डंडा लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से आंदोलन करता रहता है, लेकिन सरकार की जो कुंभकर्णी निद्रा है वो लगभग समाप्त नहीं होती और मजदूरों का लगातार शोषण होता है। काम के घंटे 12 घंटे 16 घंटे बढ़ते जा रहे हैं और भुगतान के क्षेत्र में जहां तक समझा जाए तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता।
छत्तीसगढ़ सरकार जो चुनाव के पहले इनके जो ये जो वादे थे कि हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नियमित करेंगे, जैसे आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, मध्याह्न भोजन, आगे की रणनीति वास्तव में यदि अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार की कुंभकर्णी निद्रा समाप्त नहीं होती तो भारतीय मजदूर संघ प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, और इसके बाद जो भी होगा संपूर्ण जवाबदारी शासन की होगी। वो जो श्रमिक योजनाएं चलती हैं विभाग में, उसी के संबंध में ज्ञापन है। शासन स्तर से उसमें कुछ मांगे हैं, वो प्रतिवेदन मुख्यालय मुख्यमंत्री के होते हुए ज्ञापन और शासन स्तर दिया गया, उसके शासन को प्रेषित किया जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एसीएन।